दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। उधर घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर से धुंध छाई रहेगी। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह हल्का सा मध्यम कोहरा छा सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक सुबह कोहरा छाने का अनुमान जताया। साथ ही संभावना जाहिर की कि शनिवार से दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त होगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में आसमान साफ रहने के कारण रात में पारा गिर सकता है।